हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ऑटो स्क्रीन ऑफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। ये स्क्रीन का टाइम होता है, यानी कि 15 सेकंड तक आपकी, 15 सेकंड तक रखेंगे तो 15 सेकंड तक आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी। अगर आप इसको टच नहीं करेंगे 15 सेकंड तक तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 15 सेकंड तक मैंने कर लिया है और 15 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली अगर मैं इसको टच नहीं करूँगा एक भी बार तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सेकंड होते ही मेरी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो गई है और आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कितना भी करना चाहते हैं, 30 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, कुछ में भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैं 30 मिनट कर लेता हूँ तो मेरा ये 30 मिनट तक रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सेटिंग पर जाएंगे, सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ पर सर्च में आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।